हरियाणा के जिले फरीदाबाद में स्थित ग्रेटर फरीदाबाद में बीती कल सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के चलते दो घरों के चिराग बुझ गए। बता दें कि दोनों गहरे दोस्त थे जो बाइक पर सवार होकर बीते कल पेट्रोल डलवाने के लिए निकले थे, लेकिन दोनों को ही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिसके चलते दोनों किशोरों की जान चली गई। फिलहाल दोनों बाइक सवार किशोरों के शव का आज पातशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे या वही दोनों दोस्त दीपक और अभिषेक हैं, जो बीते कल बाइक पर सवार होकर पेट्रोल डलवाने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वह ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल के नजदीक पहुंचे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों ट्रैक्टर के नीचे कुचल गए और दीपक और अभिषेक की अमृता अस्पताल पहुंचते पहुंचते दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में जानकारी देते हुए दोनों के पड़ोसी रंजीत बिहारी ने बताया कि दीपक और अभिषेक अपने घर में इकलौते थे। अभिषेक अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई था तो दीपक घर का इकलौता चिराग था। दोनों काफी गहरे दोस्त थे और व्यवहार में भी दोनों अच्छे थे, जो 12वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे। इस हादसे में दोनों की जान चली गई, जिसके बाद से दोनों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वही रंजीत बिहारी ने बताया कि ट्रैक्टर चालक घटना को अंजाम देकर मौके से ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। वह चाहते हैं कि दोषी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस कड़े से कड़ा एक्शन ले, जिसके लापरवाही के चलते दो घरों के चिराग आज बुझ गए। वह इस मामले को लेकर जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों घर से किसी काम के लिए निकले थे, जिनकी ट्रैक्टर के चपेट में आने से मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पूरा मामला, बच्चे जा रहे थे पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, पेट्रोल भरवा के जो लौट रहा था ना, तो पेट्रोल भरवा के जो लौट रहा था, इतने ट्रैक्टर उधर से आया और बच्चे नर्वस होकर गिर गया और उसके ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ा दिया जी। नहीं चढ़ा दिया, उसी के ऊपर बच्चे लोग के ऊपर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया। दीपक और अभिषेक दोनों के ऊपर, दोनों का इन द स्पॉट हो गया। हाँ जी, दोनों एकदम मर गया बेचारा उसी टाइम। बट अभिषेक के घर में तो तीन बहन और माता पिता है। तीन बहन का इकलौता भाई था। हाँ, इकलौता भाई था। और दीपक के घर में इकलौता भाई था और एक बहन था, और बहुत गरीब था बेचारा, माँ का एक वही सहारा था। मतलब बुरा हाल है परिवार, बहुत ज़्यादा इतना बुरा हाल है कि उसकी माँ बाप को तो देखना मुश्किल है। 89 सेक्टर में वहाँ पर दो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बच्चे वहाँ से हमने डेड बॉडी अपने बीकेएच मोर्चरी में रखवा दी है। और हम एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ था, इनका पता लगाया हमने। बाकी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और अपने नियम अनुसार हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक बच्चे की 17 साल है, एक 18 साल है।